गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 पर आज कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेंगे, जो कि पिछले कक्षाओं में भी पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में HCF और LCM के बारे में बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर में LCM और HCF का जिक्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट है केवल देखने की बात, यहाँ पर यह है कि देखिए, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको हम जानने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें डिफिनेशन लिख दिया गया है, और बिल्कुल हम स्पष्ट तरीकाओं से, स्पष्ट विधि से समझाएंगे कि क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और क्या होता है LCM, जो कि लघुत्तम समापवर्त्य, क्या होता है ये बताएंगे। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। दो संख्याएं A तथा B के महत्तम समापवर्तक को महत्तम समापवर्तक यानी मौ पर सुनना, सौ पर सुनना, और ब्रैकेट में जो संख्या दिया रहेगा A B से सूचित करते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो संख्या, अब इसका बात को करते, दो संख्या को ले लेते हैं, मान लिया जाए 16 और 20 को लेते हैं, और इसमें इसका अगर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं पहले। तो क्या करेंगे कि 16 को सबसे पहले खंड कर लेंगे, 8 दुना 16 हो गया, फिर क्या हो गया, दो से लगाएंगे, दो चौका 8 हो जाएगा, फिर दो से लगाएंगे, दो दूना 4 हो जाएगा, फिर दो से लगाएंगे, 1 हो गया, ठीक है। अब फिर हम इसको देखिए 20 को करेंगे, क्या होता है HCF, फिर 20 को देखिए, 20 को क्या करेंगे, दो से लगाएंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही करते हैं, तो यह 10 दूना 20 आ गया, फिर दो से लगाएंगे तो कितना 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे, तो यानी कहने का सेंस ये हुआ कि 16 को हम क्या लिख सकते, 1, 2, 3, 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 4 टाइम्स आया। और फिर हम 20 को क्या लिख सकते, 2 × 2 × 5, और 5 हो गया, 2 × 2 × 5, बस इतना ही, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना होता है। तो HCF क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्या, ये तो दो ही संख्या लेके बताए हैं, दो से ज़्यादा संख्या भी हो सकता है, चलिए अभी दो पर बताते हैं, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में, सर्वनिष्ठ जो दोनों में हो, तो देखिए ये और ये दोनों में है, ये और ये दोनों में है, अब देखिए ये दो के लिए नहीं है और ये दो के लिए भी नहीं है, इस पांच के लिए भी नहीं है, लेकिन दोनों में ये दो और ये दो है, तो यही कहता है कि महत्तम समापवर्तक उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में, सर्वनिष्ठ जो कि दोनों में सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। अब देखिए छोटे घात, यहाँ पर 2 का घात अगर कर लें तो हो जाएगा 2 to the power 4 हो जाएगा, लेकिन छोटे घात मतलब कि दो बार दोनों में आया है तो छोटे घात का ही प्रयोग किया, तो HCF में क्या यही बात दिया है कि सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है, तो यानी क्या लिखेंगे HCF कितना कितना, 16 और 20 का HCF कितना हो गया, छोटे घात का गुणनफल यानी 2 × 2, यानी इसका HCF 4 आएगा, ठीक है। तो यही होता है HCF। फिर देखिए
लघुत्तम समापवर्ती को देखिए, लघुत्तम समापवर्ती को देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात, देखिए यहाँ पर ये बात मुख्य बात होता है, सबसे बड़े घात, और यहाँ पर क्या है, सबसे छोटे घात, सबसे छोटे घात, यहाँ पर देखिए सबसे छोटे घात के लिए SCF निकला, और सबसे बड़े घात, अब LCM की बात करते हैं तो सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, मान लिया जाए इसी एग्जाम्पल को अगर हम LCM के रूप में दिखाएं तो लिख सकते हैं ना, 16 को लिख सकते हैं कितना, 1, 2, 3, 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 20 को फिर लिख सकते कितना, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें क्या कहता है कि सबसे बड़े घात का गुणनफल, तो सबसे बड़ा घात कितना हो गया, 2 टू द पावर 4, तो हम लिख सकते हैं कि LCM कितना कितना, 16 और 20 का लिख सकते क्या कि बड़े घात का गुणनफल। तो बड़े घात पहले सबसे पहले तो 2 टू द पावर 4 है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, बड़ा घात लिख लिए, बड़े घात का गुणनफल, तो बड़ा घात तो हो ही गया और एक 5 भी बचा है, 5 भी लिखना पड़ेगा गुणनफल होगा। अब इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 5 80, तो यानी कि 80 इसका LCM हुआ। तो इस प्रकार से हम आज महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। अब जो इस चैप्टर में इस पर आधारित जो सवाल आएगा जो अगले वीडियो में बताएंगे, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।